से ही किस्से और कहानियों में आपने ये सुना जरूर होगा, या फिर फिल्मों और कथाओं के जरिए जाना जरूर होगा कि रामायण में श्री राम के साथ रावण का युद्ध, जिसमें रावण की ही हार हुई। युद्ध का अंत श्री राम ने श्रीलंका को रावण के भाई विभीषण के हाथों सौंप कर। युद्ध के बाद रावण की हार के साथ साथ श्री राम की जीत हुई, इस सच से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या इस बात से आप वाकिफ है कि इस युद्ध के बाद रावण आखिर कहां गया? रावण की हार, रावण की विदाई, रावण की हार से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या वाकई में रावण की हार के बाद उन्हें श्रीलंका से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया गया? अगर वो विदा हुए तो फिर कहां, किस तरह से? ये सवाल हर किसी के जहन में दौड़ता है। तो वहीं इस सवाल का जवाब ये भी है कि हर साल दशहरा के मौके पर रावण के हाथों राम के हाथों रावण की हार की बात होती है, और रावण पर विजय पाने के लिए राम के रूप में देश भर में हर राज्य में कोई एक बड़ा व्यक्ति, कोई एक अहम शख्सियत, सीएम या फिर पहले के पीएम, श्रीलंका नहीं लेकिन हमारे अपने भारत देश में रावण की हार दिखाते हैं युद्ध के रूप में। लेकिन इसी जवाब के साथ आपको हम एक और जवाब देना चाहें। इसी जवाब के साथ ये सवाल खड़ा हुआ, क्या वाकई में इसका मतलब यही है कि रावण आज भी जिंदा है? क्या वो श्रीलंका में ही जिंदा है? ये सवाल आपके जहन में आते तो जरूर होंगे, और इस सवाल से परेशान बीते कई हजार सालों से लोग रहे। कई हजार सालों से लोगों के जहन में यही सवाल रहा है कि क्या रावण जा चुका है या फिर रावण आज भी श्रीलंका में जिंदा है। तो आज हम आपको बता दें, श्रीलंका से रावण कहीं नहीं गया। ये कहना है लोगों, वहां रहने वाले लोगों की माने तो श्रीलंका में रावण आज भी मौजूद है। आपने अपनी आंखों से रावण को देखा तो नहीं होगा, लेकिन कहते हैं हमारे अंदर ही राम है तो हमारे अंदर ही रावण है। ये सोच की भावना है अलग अलग, जो किसी व्यक्ति को रावण बना देती है तो किसी व्यक्ति को राम। उनका काम ही राम है, उनका काम ही रावण है। रावण जिन्होंने पाप और पाप का घड़ा जब भर गया तो राम ने उन्हें सबक सिखाया। लेकिन वो रावण जो आपको अपनी आंखों से कभी नहीं दिखता, वो रावण इस दुनिया से दूर नहीं गया। इसी दुनिया में कई रूप में रावण आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये तो कहीं सुनी बातें ही होती है। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो नहीं समझा। हम आपको बताना चाहेंगे, हैरत में आप पड़ जाएंगे कि रावण के जिंदा होने का सबूत कहीं और नहीं बल्कि श्रीलंका में ही मिला। कुछ खबरों की माने तो रावण की विदाई आखिरी बार ये नहीं, इसकी वजह से श्रीलंका वासी उन्हें आज भी जीवित मानते हैं। सुरक्षित है रावण श्रीलंका में। श्रीलंका के एक जंगल में रावण के मम्मी होने की बातें अक्सर ही सुनने को मिलती है। बीते कई हजार सालों से ये बातें सुनने को मिलती आई है, हालांकि इसकी कोई जानकारी पुख्ता तौर पर अब तक नहीं मिल पाई। खैर, हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां एक तरफ लोग ये भी कहते हैं कि रावण हमारे अंदर है, तो वहीं इस बारे में लोगों का ये भी कहना है, रावण जंगलों के बीचों बीच श्रीलंका में ही रहता है। रावण के बारे में आप जानते भले ना हो, लेकिन रावण का होना ही लोगों को बार बार इस बात का एहसास दिलाता है कि
कि आज भी अगर बुराइयां हैं तो इसके पीछे कारण ये है कि रावण आज भी लोगों के बीच जिंदा है, जो बुराइयों को जगह देता है और उन्हीं बुराइयों को खत्म करने के लिए राम रूप में हमारे बीच अच्छाइयां भी मौजूद। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रामायण में राम और रावण के किस्से आपने सुने होंगे। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।